जो क्रिकेट जब आप खेले वो जो सीरीज फेमस सीरीज जो जही अब्बास सीरीज क्यों याद दिला रहे हो <laughs> और कितना और कितना याद दिलाओगे जैसे वो चेतन शर्मा का छक्का या इनका वो तो मैंने, कब वो याद, याद दिलाओगे वो तो मैंने याद ना दिलाते याद दिलाया था वो बा... तो हमें याद <laughs> है होर्डिंग इनके लगे होते थे मैं बताता हूँ इनको क्या इनकी तारीफ तो मुझे करनी चाहिए पाकिस्तान के जब हम खेले वो इंडिया में पोस्टर लगे हुए थे अब्बास कर जहिर अब्बास अब्बस कर तो इस तरह के पोस्टर लगे थे बस ही नहीं करते थे मारे जाते थे रनों के ऊपर रनों के ऊपर रन बना रहते थे शायद इनका जो वो खेले हमारी सीरीज़ हमारे वो तीन दिग्गज चार दिग्गज स्पिनर्स उनका शायद पतन शुरू हुआ वहीं से और क्या बल्लेबाजी करते थे और आपने कहा बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई कहता है कि एशियन ब्रेडमैन इंटरनेशनल ना ज़ाहिर अब्बास है तो ज़ाहिर अब्बास है ये ब्रेडमैन किसी के साथ नहीं उनको तुलना करनी है तो इसके साथ करो इनकी तुलना उनके साथ मत करो ठीक और अगले साल अभी आप ये ना हो दे टॉकिंग अबाउट दिस नेक्स्ट ईयर जब इन पाकिस्तान इंडिया गई थी व्हाट हैपन देयर और ख़ासकर मैं वो मुझे याद है मैं आई वाज वेरी यंग

आपको याद है नेक्स्ट सीरीज इंडिया जब आप इतने रन्स करके गए और वो खास कर जो हम आ, जीते थे इंडिया जाके सीरीज क्या मूड क्या था उसका नेक्स्ट सीरीज का इधर से हम इतनी ओवरवेलमिंग जीत के गए वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्लेयर नहीं प्लेयर में तो आपस में मोहब्बत तो और प्यार होती जब मैंने हंड्रेड हंड्रेड किया था लाहौर में मेरा सौ सेंचुरियाँ हुई थी वो एम अभी तक मैं वाहिद एक ऐसा प्लेयर हूँ जिसने डबल हंड्रेड करके सौ सौ किया था और ये सब मैंने उस रोज इनको दावत पे बुलाई थी और सारे प्लेयर्स जो हैं इकट्ठे हुए थे देखिए ये होती है स्पोर्ट्स मैन मुकाबला तो आपका ग्राउंड के अंदर है लेकिन प्रेशर किसका है पब्लिक का पब्लिक जो है वो आप पे प्रेशर डालती है लेकिन मैंने यही बार बार कहा कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस आपकी खुद की एबिलिटी जो है वो सामने आती है जब भी आप अपोजिशन के खिलाफ खेलते इनको क्या शौक था कि मैंने जहीर को आउट करना है या मैंने दूसरे बैट्समैन को आउट करना है ताकि इसकी परफॉर्मेंस को दुनिया देखे और वाह वाह करे तो यही है आर्ट ये अपना आर्ट दिखाने जो है स्पोर्ट्समैन जाता है और स्पोर्ट्समैन जब अपना आर्ट दिखा के आता है तो दुनिया वाह वाह करती कल हम इकट्ठे थे हम पुराने सारे एक्स प्लेयर्स जो इकट्ठे हो के कपिल ने कल मुझे कल क्या कपिल तारीख थी सोलह <laughs> सोलह तारीख, तारीख को इसने पहली दफ़ा मुझे बॉल किया था टेस्ट मैच पे सो सेलिब्रेटिंग दैट एनिवर्सरी लास्ट नाइट मैंने शेयब अख्तर ने ट्वीट भी किया था मेरा ख्याल आप सारे उसमें इकट्ठे थे लेकिन ये आकिब साहब वो जो कह रहे हैं और आपकी क्रिकेट लोग आपके कहते थे बस कर दो यार बहुत हो गई <laughs> जो स्लेजिंग आप करते थे उसके डिटेल्स में मत जाए क्या फर्क पड़ा फिर उस जनरेशन से इस जनरेशन में आते आते देखिए वो एक हमारा एक एक ग्रुप बन गया था लकीली अनलकीली क्योंकि हम वो आ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो, जो कल्चर स्लेज नहीं आए थे करते थे <laughs> और हमारा वो एक मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम आज आ, वो टीम अगर आज खेले तो मेरा ख्याल एक ही टूबर हो सारे बैन हो जाए <laughs> <laughs> लेकिन हम जो मर्जी कर लें देखिए पब्लिक को पाकिस्तान इंडिया में मारा मारी ग्राउंड में चाहिए आपको तेंडुलकर ने एक दफ़ा कहा बस कर अब दे तो दे। देखिए मेरी बात सुने ना कि जब आप हमें जो क्रिकेट मिलती थी इनको भी वैसी मिली कि सुबह उठा के आठ बजे शारजा में शुरू हो जाते थे और 40 डिग्री में शीशे जैसा पिच है आगे इंडिया के आठ सात आठ 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 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है और आपके हाथ में बॉल है तो आप क्या करोगे कोई ना कोई रास्ता तो निकालोगे फिर आप स्लेजिंग करते हैं इधर उधर तंग करते हैं स्लेजिंग हमने शुरू की थी ऑस्ट्रेलियंस से भी शुरू की थी या हमने उनसे सीखी है लेकिन हमने देखिए हमने तो अपना प्लेयर को देखिए एडवांटेज लेना है ऑस्ट्रेलियन से जब कहे कि क्यों करते हैं हमने एडवांटेज लेना अगर इससे हमें एडवांटेज मिलता हम लेंगे या वी आर आर नॉट नाइस गाइस हु देयर टू तो जब हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को गालियां दी ना तो फिर उनको पता चला कि गाली होती क्या है उन्होंने पंजाबी समझ आना चाहिए देखिए अब बहुत टेम सी गेम हो गई है ऐसे आप देखते हैं उसमें अब उसमें देखें आप वो जो नाइन्टी टू का जो इंडिया पाकिस्तान मैच वो जावेद मियाँ दा छलांगे मार रहे है किरण मोर्य उसे छेड़ रहा है तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो क्रिकेट में बहुत कम हो गई हैं मिस कर रही है क्रिकेट में तो पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो गेम ही इसी का नाम है अगर हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें ग्राउंड के अंदर माफी नहीं है ग्राउंड के बाहर हम बेस्ट फ्रेंड्स थे और यही खूबसूरती है इस गेम की और जो स्पोर्ट्स मैन है और स्पोर्ट्स के ज़रिए आप किसी भी चीज़ को किसी भी दुश्मनी को लाइटर मूड में ला सकते हैं सो आई थिंक ग्राउंड में लड़ना चाहिए बाहर आपको गले से मिलना चाहिए हाँ जी ये बार बार मुझे हम सोच सुनते हैं <laughs> इमरान खान कपिल हाउ ही लाइक ए लीडर मैं वो सिद्धू साहब को एक दफ़ा सुन रहा था इमरान खान के बारे में सचो स्ट्रॉ आपकी क्या उस टाइम I, क्योंकि I हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आई ऑलवेज सेट दैट कि ए, एक इमरान ऐसा वाहि प्लेयर था जिन्होंने प्लेयरों को पकड़ के रखा था उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसीलिए शायद इमरान थोड़ा बाकी प्लेयरों से ऊपर निकला उन्होंने कोशिश की पकड़ के सबको इकट्ठा करके और शायद सुनते भी थे प्लेयर सुनते तब थे वो थोड़ा शायद और फेयर भी हो सकता है मान सकते हैं कि ज़्यादा फेयर है उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग तरह की थी लेकिन उससे बात छोड़ के मैं कहना चाहता था कि जो आप कहते हो ना ये आज के क्रिकेटर्स में क्या फ़र्क है उनमें फ़र्क नहीं है कैमरास में फ़र्क है yeah, आज जो इतने बड़े कैमरा लगे हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं और आज के क्रिकेटर से कि ये हडल जो होता है ये सब किसके लिए दिखाने के लिए ड्रेसिंग रूम में क्या आप गाना गा रहे हो नाच रहे हो हम तो आके ड्रेसिंग रूम में बात करते थे दो मिनट जाने से पहले कि ये करना है आज दिखाते हैं चालीस कैमरा आउट होके आते हैं हमें सिखाया जाता था आउट होकर हो ना सर नीचे करके सीधा ड्रेसिंग रूम में आओ आज का बैट्समैन आउट होके आएगा बल्ला पैरों पे मारेगा ज़मीन पे मारेगा क्योंकि कैमरा लगे हुए हैं दिखाना चाहते हैं हमारे में कहते थे नहीं दिखाना नहीं आप दिखाओ जितने एक हद तक है गेंदबाज आउट करता है एक बैट्समैन को और ऐसे नाच रहा है कि वो पहली विकेट है जिंदगी की उसकी उसका काम है विकेट लेना तो आई थिंक ये जो ये जो कैमरा गैलरी जिसको गैलरी वो थोड़ा बढ़ गया है आज के दिन में जो हमारे समय इतना नहीं था ठीक और मैं आ, आते हुए मुझे बात हो रही थी अब आ, एक एशिया कप को हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम बहुत से मेजर प्लेयर्स नहीं गए और नवजोत सिंह सिद्धू ने इनको मैच से पहले आके वो कहते कहते हैं हूं की करोगे क्या होगा तुम्हारा और वो मैच पाकिस्तान ने सिर्फ वो दो सौ किया पाकिस्तान ने और आराम से जीता तो इन्होंने बाद में जाके कहा सिद्धू को बुला जरा मैं ढूंढ रहा हूँ किधर है वो सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन बट ये ज़रा क्विकली अब मैं जो दोनों टीमों पर आ जाए वीकनेस कहाँ है पाकिस्तान की देखिए पाकिस्तान की वीकनेस ये है कि ये टीम अभी सिलेक्शन जब हुई है वो ये कोई दो तीन दफा टूट के बनी है इसका मकसद क्या इंडिकेशन आपको ये मिलता है कि किसी टीम है। वो है जो आ, जो सोलह बीस जो जो लोग हैं वो एक साल से या दो साल से इकट्ठे चल रहे हों ये सिर्फ टीम का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे अच्छे प्लेयर फॉर्म में उनको इकट्ठा कर दो वो जो टीम एक, एक ड्रेसिंग रूम में जो एक कल्चर बनाती है सबसे पहले आपको कहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि कॉन्फिडेंस है टीम के कि नहीं है कि आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ का पता चले अपने प्लेयर्स के ऊपर आपका फेथ जब आता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है एज प्लेयर एज टीम उसके बाद आप दूसरी ऑपोजिशन की तरफ जाते हैं तो वीकनेस ये है बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी है कि दो भी चल गए तो मैच बदल चल जाएगा और ये जो जो उन्होंने कहा जही बात साहब कि दो साल से अगर टीम खेले इसका मतलब वो लड़का दो साल से परफॉर्म कर रहा होगा तभी टीम में चल रहा होगा एक आधा प्लेयर चेंज होता फील्डिंग एंड स्पिन जो डिपार्टमेंट है स्पिनिंग डिपार्टमेंट आई थिंक दैट्स वेयर इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे चला गया इसको कैसे देखते हैं आपने सारे कोच रख के देख लिए आपने बैटिंग कोच रख के देख लिए आपने बॉलिंग कोच रख के देख लिए आपने दुनिया का हर कोच आजमा के देख लिया आखिर में रिजल्ट ये है, है जो आपके सामने कि हम कहाँ खड़े हैं ये अब आपको परफॉर्मेंस दिखाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरी हो क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बुरी होगी तो लोग हमको सबसे ज्यादा गालियां देंगे जो प्रेजेंट टीम है उसको कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन ये वो टीम है जो ऑन इट्स डे कुछ भी कर सकती है और ये हमेशा से पाकिस्तान टीम का वो, खासा वो, भी यही रहा है। देखिए वो ऑन डे ये पुरानी बातें हैं आप पुरानी बातों पे ना जाएं। ये याद रखिए मैनेजर कोच और फील्डिंग को जो है वो जब तक के एक खुद बॉलर जो है या फील्डर जो है या प्लेयर जो है वो खुद हार्डवर्क नहीं करेगा वो अच्छा फील्डर और अच्छा बॉलर और अच्छा बैट्समैन बनी ही नहीं सकता। ठीक है रहे। आप जब पाकिस्तान टीम देखते हैं पाजी आपको किधर देखकर नजर आता है कि ये वो एक एलिमेंट है पाकिस्तान टीम का जो हमें परेशान करेगा अकीब ने बहुत अच्छी बात की कि ब्रिलियंट प्लेयर हैं दो ब्रिलियंट प्लेयर मैच जीत के लेके जा सकते हैं जरूर लेके जा सकते हैं क्या टूर्नामेंट जीत सकते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क आता है मैं बाहर से देख रहा हूँ टैलेंट की कोई कमी नहीं किसी चीज की कमी नहीं। अगर माइंड ना करें 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने वैसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर ही जीता था इन सो so, आप का, का, वो, वो सिस्टम हाँ? रखना चाहते हैं नहीं नहीं आई एम जस्ट सेइंग आई एम जस्ट सेइंग नो वर्ल्ड कप जीतना वो सौ में एक बार हो सकता है ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता लेकिन अगर आपको टीम बनानी है तो जीतने के आसार बढ़ जाते हैं जब आपकी टीम सही हो इंडिविजुअल नहीं ठीक हो लेकिन और हमने वर्ल्ड कप एक दफा नहीं जीतना है कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जीते मैचेस भी जीत